अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। कानूनी टीवी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। आज कोई सियासी, ये सियासी वीडियो नहीं है, ये प्योर कानूनी वीडियो है और ये ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से है जिनकी रिट पिटीशन हमने दायर की हुई है और जिनकी हम कर रहे हैं और जो इंतज़ार में करवाना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो। ठीक है जी, तो दोस्तों बात यह है कि कानूनी टीवी आपको पता है कि आपको कानूनी मशवरे भी देता है और आप किसी भी, कोई भी आपका कानूनी मशवरा हो, आप शाम को 6 से 8 बजे तक मुझे 03004725752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर जो है ना आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। कोई भी मशवरा हो आप इसमें बेधड़क होके मुझे फ़ोन करके तो कॉल करें। ठीक है जी, ये बात है। आज आपको जो ये हर हफ्ते थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से कि अभी कोई डेट हमारी जो है लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा नहीं निकली और लोग भी परेशान हैं, हम खुद भी परेशान हैं कि डेट निकलनी चाहिए। मैंने खसूसी तौर पे जस्टिस अमीर भट्टी साहब को इस रिक्वेस्ट की थी कि जनाब ये केस अब पुराना हो गया है, रिटायर्ड मुलाजमीन है, इनका केस लगा दिया जाए, वो फाइनल स्टेज पे पड़ा है। ये भी लोग कई पूछ रहे होते हैं कि उनको बता दें कि केस फाइनल स्टेज पे पड़ा है। बिल्कुल, जिस दिन इंशाल्लाह लगना है उसी दिन इंशाल्लाह ताला फैसला हो जाना है। और कुछ लोग कहते हैं फैसला, भाई फैसला तो अदालत ने करना है, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना जी। सारे केस पूरे पंजाब के, फेडरल के हों या मरकज के हों या सूबाई हों, पंजाब के हों, वो सारे जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास हैं। अब जो मुल्तान वाले हैं, पिंडी वाले हैं, भावलपुर वाले हैं, डेरा गाजी खान वाले हैं, सारे लोग इधर लाहौर हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है जी, तो आप जो लोग हमें केस भेज रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप टेलीफोन किया करें, क्योंकि कोई केस हमने करने होते हैं, कोई नहीं करने होते हैं, उसकी फीस बतानी होती है, उसके कागजात बताने होते हैं, तो लोगों को एड्रेस हम बताते हैं ना तो काफ़ी लोग वैसे ही भेज देते हैं, तो बाद में कहते हैं जी आपने वीडियो में तो हमें कोई चीज़ ऐसी बताई नहीं। हम हर दफ़ा वजाहत के साथ ये बताते हैं कि कोई भी आपने कागज़ भेजने हैं, चाहे TCS भेजना है या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, तो आप हमें भेजें अपना फ़ोन करके। ठीक है जी, अब कौन लोग कर सकते हैं? सॉरी, जितने गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से लेकर 22 तक, वो सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है जी, सिर्फ दो पंजाब के जो ये जो KP के और बलूचिस्तान के जो सूबाई मुलाजमीन हैं वो केस ना करें। कौन से? KP के और बलूचिस्तान के जो सूबाई मुलाजमीन हैं वो केस ना करें, उन्हें केस की जरूरत नहीं है, वो अपनी फीसें ना ऐसे हमें मुफ्त भेजते रहे, उनको जरूरत नहीं है केस करने की। KP की और बलूचिस्तान के जो सूबाई महकमे हैं उनका फैसला हो चुका है, वो अपने अपने महकमे में अप्लाई करेंगे तो उनको वहां से पैसे मिल रहे हैं, मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक, समझ आ गई। अब दूसरी बात, एक और बात मैं कहूं कि जो दोस्त आगे किसी को बताते हैं ना तो वो फिर वीडियो भेजा करें, वीडियो नहीं भेजते, बात क्लियर नहीं होती, समझ नहीं आती। अब पूरे पाकिस्तान के जो फेडरल के लोग हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के, पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के फेडरल के लोग वो रब्ता करें, उनके हमने केस शुरू कर दिए हैं, वो हम कर रहे हैं। जो पूरे पाकिस्तान के फेडरल के हैं वो हमसे रब्ता करें, उनका हम कर रहे हैं, सिंध, KP के, बलूचिस्तान, पंजाब, सबके फेडरल वालों के, उनके हम इस्लामाबाद में आप जो है ना वो केस फाइल कर रहे हैं। जो पंजाब के रहने वाले उनका लाहौर में कर रहे हैं, फेडरल हो या सूबाई हो। ठीक है, जो बलूचिस्तान के, सिंध के और KP के फेडरल के हैं वो इस्लामाबाद में कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको बता रहा हूँ। उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है और एक रिटायरमेंट का लेटर चाहिए होता है, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। जिसके पास रिटायरमेंट का लेटर नहीं है वो पेंशन बुक का जो पहला पेज है वो हमें भेजे। ये बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल मसला नहीं है। ठीक है जी,
आप हमें भेजें, हम केस तैयार कर रहे हैं और केस हमारा फाइनल स्टेज पे पड़ा है इंशाल्लाह पंजाब वाला, वो जल्दी फैसला हो जाएगा। तो उसके लिए अब आपने हमारे साथ जो कागजात भेजने भी हैं ना, पहले टेलीफोन करेंगे फिर भेजेंगे, और उसका एड्रेस आप नोट कर लो, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। और फोन नंबर है 03004725752। तो ये आपको हम बार बार इसलिए हर हफ्ते बता देंगे, इतने फोन आते हैं और फोन वो लगते हैं जो हमारा कानूनी टीवी नहीं देखते। जो कानूनी टीवी देख रहे हैं वो तसल्ली में है कि जी हमें हर हफ्ते अपडेट मिल रही है, इंडिविजुअल हम कर नहीं सकते क्योंकि हजारों केस हैं। ठीक है जी, तो ये अब आपको मैंने बता दिया है, आप मजीद रबते के लिए आपको जो मैंने टेलीफोन नंबर दे दिया है उसके ऊपर आप रबता करें। तो ये छोटी सी वीडियो है जो आपके साथ गोश गुजार की है। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।